अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फलीशास किचन। तो आज मैं आपके साथ एनर्जेटिक लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे खाकर बच्चे ही नहीं बड़े भी बहुत ही रिफ़्रेश फील करेंगे। जैसे कि अगर आप सुबह दूध के साथ खाते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। तो यहाँ पर लिए थे मैंने ये मखाने, जिनको मैंने रोस्ट किया, बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। उसके बाद खजूर लेनी है मैंने, यहाँ पर ये सारी एक ही क्वांटिटी के हिसाब से ली है मैंने। ये एक पाव मखाने हैं, ठीक है, जिन्हें हमें रोस्ट करना है, और उसी हिसाब के मुताबिक एक पाव ही मैंने खजूर ली थी। आप ज़्यादा कम अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हैं। और इंजीर भी मैंने यहाँ पर एक पाव ही लिए हैं, जिन्हें धोकर अच्छी तरह से खुश कर लेने, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, ठीक है। यहाँ पर लिया है मैंने देसी घी, 2 टेबलस्पून देसी घी लेंगे, और उसमें हम डालेंगे खजूर, अंजीर और साथ ही किशमिश। इन्हें हमें फ्राई करना है, मतलब कि शैलो फ्राई करना है, ताकि इनका पानी जो है वो ड्राई हो जाए अच्छे तरीके से और ये भी सौते हो जाए, ठीक है। किशमिश आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो। बहुत से लोग नहीं खाते, लेकिन किशमिश खानी चाहिए, तो आप यहाँ पर किशमिश ज़रूर ऐड कीजिए। ये बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत ही मुफीद है। जैसे कि आप लोगों को अगर घुटनों में दर्द रहता है, जैसे मुझे रहता है, अब रहने लगा है, तो मैंने अपने लिए भी, जाहिर है मैं खुद भी खाऊंगी, बच्चे हस्बैंड, तो ये आप भी बनाकर रखें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सर्दियों में ही सिर्फ बनाएं, इसे आप एवरी टाइम, मतलब किसी भी मौसम में खा सकते हैं। यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट सारे मैंने एक एक कप लिए हैं, सिर्फ मैंने पिस्ता हाफ कप लिए थे। उसके बाद ये 4 मगज़, पम्पकिन और सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, ये लाजमी आपने लेने हैं, क्योंकि इनमें बहुत सी ज़्यादा कैल्शियम, प्रोटीन, हर चीज़ इसमें आपको मिल जाती है। तो इन सब चीज़ों को ना लो फ्लेम पे हमें रोस्ट करना है, मतलब सिर्फ रोस्ट करना है, ठीक है। लो फ्लेम होना चाहिए, वरना ये बहुत ही जल्दी जलने लग जाते हैं। जल जाएंगे तो खुशबू, इसमें एक अजीब सी स्मेल हो जाएगी। तो इसे सिर्फ रोस्ट करना है, कम से कम 10 मिनट तक लो फ्लेम पे, जितना हम दम देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये मिक्सचर ठंडा हो गया, इसको गर्म गर्म ब्लेंड मत कीजिएगा, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने दीजिएगा। उसके बाद ही आप इसको इस तरह से मिक्सी, चॉपर, जो भी आपके पास है, इस तरह से चॉप कर लीजिएगा। उसके बाद ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स है, इनको भी हम इसी तरह से चॉप कर लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर ये फाइन सा पाउडर नहीं बनेंगे, ये इस तरह ही दरदरा सा ही रहेंगे, और इसी में ही आपको टेस्ट आएगा। जब आप खाओगे तो आपको हर फ्लेवर आएगा। और जो मखाने हमने रोस्ट किए थे, इनको भी हम बारीक सा ही चॉप कर लेंगे। उसके बाद आप चीनी अपने टेस्ट मुताबिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है आटा, ये 1 कप मैंने आटा लिया है। आप आटे को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो बहुत ही लजीज बनकर तैयार होंगे आपके ये एनर्जेटिक लड्डू। तो ये देसी घी था, मैंने 1/2 कप देसी घी लिया था, उसमें 1 कप डाला मैंने आटा। इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे, ये बिल्कुल हलवे की शेप में आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे खोपरा, मतलब नारियल का जो बुरादा होता है, वो इसमें हम ऐड करेंगे। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ये घरों में मौजूद होता है। तो ये नारियल का बुरादा जो है, आप ये किसी स्टोर से ही लीजिएगा, क्योंकि स्टोर वाला जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, जो मतलब मार्ट वगैरह, मॉल, तो वहाँ से लीजिएगा, वो उनके अच्छे होते हैं काफ़ी। इसे भी हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, जब तक कि ये अपनी अच्छी तरह से फॉर्म में ना आ जाए और ये थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए, मतलब वाइट कलर से ये ब्राउन ना हो जाए, तब तक इसे भूनना है, क्योंकि आटे को हमें कच्चा नहीं छोड़ना, वरना इसमें कच्चेपन की थोड़ी सी खुशबू आएगी। तो इसे हमें अच्छी तरह से रोस्ट करना है, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 कप पिसी हुई चीनी। चीनी की जगह यहाँ पर आप मिश्री भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप चीनी स्किप करना चाहते हैं तो। और यहाँ पर ये मिक्सचर भी हमारा रेडी हो चुका है, तो इसे भी हम पहले ठंडा कर लेंगे, उसके बाद ही बाकी के मिक्सचर में ऐड करेंगे। और चीनी को हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर अगर आप गर्म चीज़ चीनी के अंदर ऐड करोगे तो ये ज़ाहिर पानी रिलीज़ करना शुरू हो जाएगा। तो इससे पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल चीनी और जो बाकी का मिक्सर है उसे एक जान कर देंगे। उसके बाद ही हम जो आटे वाला मिक्सर है वो इसमें ऐड करेंगे। अब
अब इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, मतलब 1-2 मिनट के लिए, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, आपका हाथ ना जले। बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इनके बनाएंगे लड्डू। तो लड्डू आप अपने मुताबिक, मतलब जितनी साइज़ आप रखना चाहते हैं, मैं इसकी मीडियम साइज़ रख रही हूँ। और ये देख रहे हैं आप कि मेरा हाथ यहाँ से थोड़ा सा जल चुका है, या अभी नहीं जला था, ये काफ़ी दिन का पहले जला था। ये होता है जल्दी का काम करना, मतलब आप जल्दी जल्दी जब काम करते हो तो ऐसे हाथ से होते रहते हैं, लेकिन इसको आप इग्नोर करेंगे और हम फटाफट से बनाएंगे लड्डू। हमारे एनर्जेटिक लड्डू बिल्कुल हो चुके हैं तैयार। इसे आप किसी भी टाइम खा सकते हैं, सुबह में, शाम में, दोपहर में, या सुबह के टाइम भी आप इसे 1 गिलास दूध के साथ खा सकते हैं। मतलब आपका पूरा दिन ही अच्छा एनर्जेटिक गुजरेगा। अगर आपके बच्चे कमज़ोर हैं, क्योंकि मेरा बेटा कमज़ोर है, मैं अक्सर ऐसी चीज़ें बनाती रहती हूँ कि वो थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, तो आप भी ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, वरना ऐसी रेसिपीज़ आप हमेशा मिस कर रहेंगे। तो चलती हूँ, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।